जेल केजरीवाल नु इंसुलिन मिलनी हुई शुरू। आम आदमी पार्टी मुताबिक कल शाम केजरीवाल नु मिली पहली डोज। आप वार वार चुक रही सी इंसुलिन दा मुद्दा। अरविंद केजरीवाल दी राहुल एवेन्यू कोर्ट पेशी। आज एक्साइज पॉलिसी केस च 1 अप्रैल तो जेल च बंद केजरीवाल 21 मार्च नु हुई सी गिरफ्तार। तिहाड़ जेल दे डीजी ने नकारे आम आदमी पार्टी दे इल्जाम। कहा जेल च 900 शुगर दे मरीज। डॉक्टर दी सलाह नाल दित्ती जांदी है दवाई अते इंसुलिन। बोले हरेक कैदी दी शील्ड पिछों ही करवाई जांदी है मुलाकात। कांग्रेस ने फरीदकोट तो कट्टी मौजूदा एमपी मोहम्मद सदीक दी टिकट। अमरजीत कौर सहौके ते खेड़िया दा। होशियारपुर तो यामिनी गोमर नु दित्ती टिकट। दूजी लिस्ट च दोवें महिलावां। भारत सरकार जांच करवाउण दी तैयारी। फूड कमिश्नर्स नु सैंपल कलेक्ट करन नु कहा। सिंगापुर ते हांगकांग ने पेस्टिसाइड्स दी वध मात्रा दस के बैन कीते ने 4 मसाले। जम्मू कश्मीर के राजौरी टारगेट किलिंग। मस्जिद के बाहर सरकारी कर्मचारी मारी गोली। फौजी भरा भी लापता। 1 महीने टारगेट किलिंग की तीजी घटना। सलमान खान के घर से फायरिंग च इस्तेमाल रिवॉल्वर। सूरत की तापी नदी चो बरामद। जिंदा कारतूस भी हुए रिकवर। दोहों शूटर ने नदी सुटिया असला। बठिंडा दिन चढ़ते ही वड्डा हादसा। थर्मल प्लांट नेड़े उड़िया कॉलोनी झोपड़िया लगी अग। दो बच्चियां जिंदा सड़िया। अग लगन के बाद होया सिलेंडर ब्लास्ट। किलर केक मामले च वड्डा खुलासा। स्टैंडर्ड मुताबिक ठीक नहीं निकले 2 केक दे सैंपल्स। पटियाला दी एसे बेकरी दा केक खान नाल हुई सी 10 साल मानवी दी मौत। अरविंद केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी दे हवाले नाल खबर सांझी करनी दे कि जेल च केजरीवाल नु हुण इंसुलिन मिलनी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कल शाम नु ही केजरीवाल नु इंसुलिन दी पहली डोज दित्ती गई थी। हालांकि डिमांड की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक पेशेंट ने उन्हां नु तिहाड़ जेल दे अंदर इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। हुण आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहली डोज अरविंद केजरीवाल नु इंसुलिन दित्ती गई थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी दे वल्लों गिरफ्तारी तो बाद पहली बार इंसुलिन दित्ती गई है। इस तो पहला कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंसुलिन दी मांग दी पटीशन नु खारिज कर दिता सीगा, डिसमिस कर दिता सीगा। एम्स के डायरेक्टर अगुवाई च पैनल का गठन करने की गल भी आखी गई थी। कहा सीगा कि पैनल तय करेगा कि इंसुलिन दित्ती जावे या ना। जो अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी मांग नु लेके जो अरविंद केजरीवाल दी लीगल टीम है इसरे विचाले उन्होंने रुख किया। सनल आम आदमी पार्टी के आगू नील गर्ग फोन लाइन से मौजूद ने। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पंजाब से। खबर सामने आ रही है कि हुण जेल च अरविंद केजरीवाल नु इंसुलिन दी पहली डोज दित्ती जा चुकी है। सब तो पहला तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया और हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रिया जिन्हों के दबाव हेठ जड़ा है ईडी जेल प्रशासन और बीजेपी जिस तरह उन्होंने खिलवाड़ कर रहे थे। एक साजिश के तहत खिलवाड़ कर रहे थे। पर्दाफाश होया तो श्री अरविंद केजरीवाल में जी है इंसुलिन की डोज मिलनी शुरू हुई है। असं सारे जानते हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल पिछले 30 साल तो लगातार शुगर के मरीज ने और पढ़े लिखे ने। उन्होंने पता है मैं की खाना है की नहीं खाना। जिस तरीके पिछले दिन ईडी ने जो मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की, जेल प्रशासन ने मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की, उस तो बाद जिस तरीके का उसका जवाब दिता गया, दबाव बनाया गया, उस दबाव तो बाद जो है हुण जेल प्रशासन इस गल से राजी होया कि उन्होंने इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन उन्होंने दी है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलगर तुम न्यूज 18 जुड़े तो आप पुष्टि की गई है कि हुण इंसुलिन की पहली डोज अरविंद केजरीवाल को दी जाती है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दी कोर्ट च अज पेशी होने जा रही है। दस के राउज एवन्यू कोर्ट च अरविंद केजरीवाल नु ईडी दे वल्लों पेश किया जाएगा। अज अरविंद केजरीवाल दा जुडिशियल रिमांड यानी कि न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। एक्साइज पॉलिसी केस गिरफ्तार ने अरविंद केजरीवाल। 1 मार्च नु ईडी ने अरविंद केजरीवाल नु रिहायश तो गिरफ्तार किया सीगा। 1 अप्रैल तो अरविंद केजरीवाल जेल च ही बंद। दिल्ली का कथित एक्साइज पॉलिसी पूरा मामला है। अज अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। हालांकि अज मुड़ तो अरविंद केजरीवाल नु राउज एवेन्यू कोर्ट च पेश किया जाए। तिहाड़ जेल दे डीजी संजय बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी दे सारे इल्जाम खारिज किए ने। डीजी तिहाड़ ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दे सारे इल्जाम बेबुनियाद ने। असी कोर्ट च भी इल्जामां दा जवाब दिता है। तिहाड़ जेल च 900 कैदियों नु शुगर की बीमारी है। लोड़ पैण ते दवाई अते इंसुलिन दित्ती जांदी है। डीजी तिहाड़ ने कहा है कि सरकार वालों नियुक्त डॉक्टर्स मरीज नु देखते ने। गंभीर बीमारी ते जेल तो बाहर हस्पताल च भी रेफर किया जाता है। सारे कैदियों की मुलाकात शीशे दे
शील्ड पिछों ही करवाई जाती है। सारे कैदियों के लिए यह नियम है। डीजी ने कहा है कि किसी कैदी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिता जा सकता। जेल च किसी भी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट असं नहीं देंगे। हर कैदी को बेसिक अधिकार दिते जाते। अरविंद केजरीवाल को शुगर की प्रॉब्लम है, हमने देखा। हम कोर्ट के मैटर पे नहीं जा रहे हैं, वो कोर्ट का विचाराधीन मामला, लेकिन अरविंद केजरीवाल को शुगर की प्रॉब्लम है। लगातार उनकी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि उनकी शुगर को लेके तिहाड़ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी तरफ से आए कि हम उनका 3 बार मेडिकल चेकअप कराते हैं, बाकायदा उसकी रिपोर्ट संबंधित विभागों को देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की तबीयत अंदर खराब है, या उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या ये सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार है? किसी भी इनमेट के पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक में कभी शेयर नहीं करना चाहता, और ये गलत भी है जी। जहाँ तक आपने पूछा कि शुगर की, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस समय तकरीबन 900 से 1000 के बीच में इनमेट्स को विभिन्न स्तर की शुगर की, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो किसी को इंसुलिन चाहिए होती है, या किसी को ओरल टैबलेट चाहिए होती हैं, या किसी को फूड खाने की इनटेक से भी मैनेज किया जाता है ये, और ये बदलता भी रहता है। तो उसके अनुजाय 900 आदमियों का तो रोज हम लोग मैनेज, मेरे ये सरकार से नियुक्त सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मैनेज करते हैं। और जब कभी किसी की बीमारी ऐसी होती है जिसको उन्हें लगता है कि रेफरल हॉस्पिटल में जाना है, या वहाँ के एक्सपर्ट से विचार विमर्श करना है, तो वो भी होता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है और ये सबके लिए मुहैया है। तो मुझे इसमें मतलब देर इज नो रीजन फॉर मी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी। सर, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को धीमा जहर दिया जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। आपको लगता है सर कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है केवल इसलिए किया जा रहा है, या वाकई इसके पीछे कोई सच्चाई है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये कहा गया। कहीं सच्चाई, इज इट पॉसिबल? आपने कहा ना क्या सच्चाई, इज इट पॉसिबल? जहाँ तक हमारे खाने की बात है, हम लोगों के मेन्यू ICMR गाइडलाइन से होते हैं। हर जेल में विजिटिंग जजेस भी आते हैं जो खाने को, मेडिकल की सुविधाओं को, और भी चीज़ों के बारे में, जैसे इनमेट्स की और भी बहुत ग्रीवेंसीज होते हैं, हमारे खिलाफ भी होते हैं, तो वे भी उसको सुनते हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि तिहाड़ एक वैक्यूम में काम करता है, ऐसा नहीं। वी आर कस्टोडियन ऑफ सॉवरन जुडिशियल कस्टडी, और उसमें बिकॉज इट इज़ अ जुडिशियल कस्टडी, उसके बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और होने चाहिए और हैं भी। इसीलिए हमारा जेल मैनुअल भी है जो कि हर स्टेट की सरकार उसको पारित भी करती है। उन नियमों के अनुजय के बाव भी कि ये क्या ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं, रैंडम विजिटिंग जजेस आकर दिखते भी। तो मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं। हुण गल करांगे सुखपाल सिंह खैरा दी, जिन्हां दे वल्लों ढींडसा परिवार नूं ऑफर दित्ती है। खैरा ने कहा कि साडे नाल आ जावे ढींडसा परिवार, साडे नाल मिलके चोण लड़े ढींडसा परिवार। दस के संगरूर तो कांग्रेस कैंडिडेट ने सुखपाल सिंह खैरा चोण मैदान च उतरे ने। अकाली दल दे वल्लों टिकट ना जीते जाण तो ढींडसा परिवार नाराज चल रहा है। अकाली दल ने संगरूर सीट तो इकबाल सिंह झूंडा नूं कैंडिडेट ऐलाना है, जिसका कि विरोध किया जा रहा है। नाराजगी साफ तौर पर ढींडसा परिवार की देखी जा सकती है। हाल ही सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों भी ढींडसा परिवार नाल मुलाकात की गई थी, हालांकि वर्कर्स मिलनी भी ढींडसा परिवार ने की सी, स्टेटमेंट भी सामने आई सी ढींडसा परिवार की कि वर्कर चाहते ने कि आजाद तौर पर चोण लड़ी जाए। हुण सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों ऑफर दी गई है कि साडे नाल आके ढींडसा परिवार चोण लड़े। श्रोमणी अकाली दल ते ढींडसा परिवार की एक सीट पिछे गरारी फसी पी है। पहला इकट्ठे असी परमिंदर सिंह ढींडसा चोन प्रचार भी करन लग गए सी, पर जदों नई सीट मिली तो हुण दोनों च दराड़ आ रही है, किवें देखोगे? तां मैं समझदा कि सुखबीर बादल ने अपने कैरेक्टर असैसीनेशन की है। तुसीं उस लैवल दे लीडर हो के तुसीं किसी नाल वैदा करके मुड़ के उन्होंने अपनी बुक्कल च बिठा के वह सियासी कतल करो, ये तो बड़ी माड़ी गल हैगी है।
मैं समझदा परमिंदर होना नाल उही होया। उन्होंने पहला वर्ग लाया गया, उन्होंने वायदे किए गए, तो जो इलेक्शन लड़ाने की मिल मौका आया तो कोई होर आदमी नामजद करता। ताइयों करके असी आवाज़ दी कि ढींसा साहब के परिवार को, क्योंकि ढींसा साहब तो हुण बजुर्ग ने, परमिंदर का तो हले भविख है वा, अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आन साढ़े को जॉइन कर, असी रिस्पैक्ट करा उन्होंने जी इन्होंने तोहीन की वो इज्जत बहाली असी करा। रिश्तेदार के भी अलग अलग जोड़े है बयान आ रहे हैं, मजीठिया साहब कह रहे हैं कि हाँ गलत होया जबकि सीट देने वाले कितना कितने प्रधान साहब ने। नहीं मैं तो आप तुम्हें कहता वा कि इट इज़ देखो गल है कि गलत न गलत कहना चाहिए जिंदगी, सही न सही। ये फैसला सुखबीर बादल का गलत। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने अकाली दल से तिखा शब्दी हमला किया है। धारीवाल ने कहा है कि एक भी सीट नहीं जीतेगा अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी, आ धारीवाल के वालों स्टेटमेंट दी गई है। दरअसल कुलदीप सिंह धारीवाल NRI मंत्रालय उन्होंने कोल है। इस विचाले अमृतसर तो लोकसभा जो सीट है आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट भी ऐलाने गए ने, तिखा शब्दी हमला करते हुए श्रोमणी अकाली दल से नजर आए। उन्होंने कहा कि एक भी सीट नहीं जीतेगा अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार की जमानत जब्त। अकाली दल खत्म हो चुका, अकाली दल कि हो नहीं, तुसी इत्थे ते मैं भी इत्थे। जदों सरदार प्रकाश सिंह बादल की डैथ हुई है, बादल साहब पहले बंदे ही पंजाब दे थे। लोग आम तौर पर कहते थे कि बंदा खाली हथ च गया, बंदा खाली हथ जाना। पंजाब की धरती के किले कले बादल साहब एहोजे इंसान सन, एडे चंगे इंसान सके, वो जाते जाते अपने नाल श्रोमणी अकाली दल भी लै गए। वो कले नहीं गए, श्रोमणी अकाली दल भी लै गए। जिदों तो गए उदों श्रोमणी अकाली दल खत्म हो गया। हुण तो सुखबीर के पंसद बंदे उतरे फिरते हैं, सुखबीर ना लगता नहीं जो ढींसे मलूके मलाके सब उन्हें छड़ गए के केड़ी केड़ा सुपना लैन दिया, ले जान दो उत्थे बैठा लंबी पेड़ च जमानत जब तोड़ गया जी। अकाली दल चौथे नंबर दे जमानत जब तोड़ गया। वीजा रूल्स बदले ने, 5 साल की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री शेनिगन वीजा हुण मिलेगा भारतीय। शेनिगन वीजा के नाल 29 यूरोपीय देशों च जा सकणगे भारतीय। दस हुण तक 3 साल च 2 बार वीजा लेना पैंदा सीगा ते हुण 90 दिन दे लई आ जारी किया जाण वाला शेनिगन वीजा शॉर्ट स्टे वीजा हुंदा है। यह वीजा किसी भी यूरोपीय देश च आजाद तौर पर यात्रा करने लई प्रवानगी दिंदा है। गल करांगे सलमान खान की। सलमान खान के घर से फायरिंग इस्तेमाल असला पुलिस के वालों बरामद कर लिया गया है। दस के गुजरात के सूरत की तापी नदी चो आ रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद करने कई जिंदा कारतूस भी रिकवर किए गए। इस नाल ही दोवां शूटर ने नदी च असला सुट दिता सी। गुजरात के कच्छ तो ही दोवें शूटर नु मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी किया सीगा। मुंबई पुलिस की गिरफ्त ने विक्की गुप्ता और सागरपाल 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर इन्हों शूटर के वो फायरिंग की गई थी। महज 10 सैकेंड ही 5 राउंड फायर इन्हों के वालों दागे गए थे। पुलिस को वारदात वाली थां तो कुछ दूरी से वारदात वरती गई बाइक भी बरामद कर ली। गल करांगे मुंबई एयरपोर्ट दे जिथे की नूडल्स दे पैकेट च हीरे ते अंडरगारमेंट सोना बरामद किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट ते कस्टम विभाग में वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। वड्डी कार्रवाई कस्टम विभाग दे वल्लों की गई है। 6.5 किलो तो ज्यादा
सोना ते डायमंड्स बरामद किए गए ने। नूडल्स के पैकेट चो लुको के रखे हुए थे डायमंड्स ते मास्क ते अंडरगारमेंट्स चो सोना कस्टम विभाग के वालों बरामद किया गया। कस्टम डिपार्टमेंट ने चार यात्रियों ने इस बाबत गिरफ्तार किया है। दस दिए कि सोने ते हीरे बैंकॉक ले जाने की ट्रक से स्मगलिंग की जानी थी इन्हों की। बरामद सोने की कीमत 4 करोड़ तो ज्यादा जबकि हीरे की कीमत 2 करोड़ तो ज्यादा दसी जा रही है। कुल बरामदगी 6 करोड़ 46 लाख के करीब दसी जा रही है। किलर केक मामले च वड्डा खुलासा होया जिथे कि 2 केक दे सैंपल च गड़बड़ी स्टेट डिपार्टमेंट दे वल्लों पाई गई है। स्टैंडर्ड दे मुताबिक आ जो केक ने जिन्हां दे सैंपल कलैक्ट किए गए थे वो ठीक नहीं निकले। बेकरी तो सेहत विभाग ने 4 केक दे सैंपल कलैक्ट किए थे। जिक्रयोग है कि पटियाला च केक खांग दे नाल 10 साल की मांगी की मौत हो गई थी, जिस तों बाद सेहत विभाग ने एक बेकरी ते रेड करके 4 केक दे सैंपल भरे सन, जिन्हां च 2 सैंपल गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि जिस केक खांड नाल बच्ची दी मौत हुई सी उसकी रिपोर्ट आनी अजे बाकी। असी सैंपल इंडिया बेकरी तो भरे सी, जिहड़े केक दे भरे सी उहदे विचों 2 सैंपल स्टैंडर्ड आए ने, 2 सब स्टैंडर्ड आए। सर की मतलब है इहदा स्टैंडर्ड? सब स्टैंडर्ड दे विच जिहड़ी उहदे विच कोई चीज़ां पाईआं हुंदीआं ने जे तय मात्रा तो घट या वध आउंदीआं ने हैं उहनां नूं सब स्टैंडर्ड कहा जांदा। खाने वाली चीज़ा सर कोई पता लगे कि ग्लूकोज जो मात्रा तो ज्यादा? जे ग्लूकोज जो मात्रा तो ज्यादा है तो वो भी सब स्टैंडर्ड ही आता है। सर की लगता है जो केक मानवी के वालों खाधा गया उसके भी सब स्टैंडर्ड नहीं? मानवी जो खाधा सी FSL रिपोर्ट होनी है वो पुलिस को।